की प्रॉब्लम है, गोबर्धन नहीं उठाना था, वो केवल पैर को ही दबा के रखना। छोड़ दीजिए, दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैर मोड़ लीजिए, सांस को बाहर निकालिए और घुटनों को छाती और पेट के ऊपर दबाएंगे। फिर गर्दन उठाकर दोनों नासिका घुटनों के मध्य में लगाने की कोशिश करें और इसी में आगे पीछे झूलना है। बैक की मसाज कीजिए, नीचे घास है सुंदर करता है तो इसमें अच्छा होगा। जब सामने की ओर आए तो आपके पंजे तलवे जमीन की जमीन पर स्पर्श करें। और अब आप इसी में दाएं बाएं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हमारी बैक की मसाज हो। छोड़ दीजिए, दोनों पैरों को सीधा फैलाएं। पैरों को एक साथ मिलाइए। हम अभी एक अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। गहरा सांस अंदर भरें और दोनों पैरों को लगभग एक फीट उठाना है जमीन से, ज्यादा नहीं। जो दो पैरों से नहीं उठा सकते वो एक पैर से उठाना कीजिए, केवल एक फीट, ज्यादा नहीं भरे। ये पेट के लिए डायबिटीज के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे वापस छोड़िए, फिर गहरा सांस अंदर भरें, एक बार फिर रिपीट कीजिए। छोड़ दीजिए और अब आप दोनों हथेलियां अपनी जंघाओं को ऊपर ले आए। नौकासन, पैर सीधे रहेंगे, हथेली जंघाओं को ऊपर। गहरा सांस अंदर भरें और दोनों तरफ से पैर भी उठाएंगे, गर्दन सिर भी उठाएंगे कीजिए, और हाथों को थोड़ा ऊपर उठा कर रखें। आपकी गर्दन सिर और पैर एक सीध में रहें तो वापस आए धीरे धीरे। एक बार फिर रिपीट करेंगे इसी को कीजिए, हाथ थोड़ा घुटनों से ऊपर उठा कर रखें। दो, छोड़ दीजिए, बहुत सुंदर किया काफी भाई और बहनों ने। अब इसी में दाहिने पैर से जीरो बनाएंगे, हाथ तेज नीचे ले आएंगे जमीन पर, पांच पांच बार कीजिए। जब पांच बार हो जाए तो फिर इसको रिवर्स करना उसी पैर से। उसी पैर को रिवर्स करें, तो ये हमारे हिप जॉइंट के लिए, पेट के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे, एक से होने के बाद। छोड़ दीजिए, फिर दोनों से एक साथ। लेकिन जिनको मना किया, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, ऑपरेशन हुआ हो, हर्निया हो, ऐसी किसी भी अवस्था में या पीठ में दर्द हो, वे एक एक पैर से करें। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों पैरों से आप अपनी इच्छा से कीजिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक लोड पड़ता है हमारे पेट पर, पीठ पर। छोड़ दीजिए,
और अब आप दोनों पैरों को मिलाकर घुटने मोड़ लें, तलवे जमीन पर लगे रहें, दोनों हाथ कंधों के पैरेलल मरकटासन, ये पीठ के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है। दोनों घुटने राइट साइड में झुकाएंगे मिलाकर, कीजिए घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, गर्दन विपरीत दिशा में, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, तो बीच में आइए पहले, तीन, गर्दन विपरीत दिशा में, चार, पांच, छह, सात, आठ। अब दोनों पैरों में थोड़ा फासला करें एक फीट का, जिससे दाहिना घुटना बाएं टखने पे चला जाए, दोनों पैर बाईं ओर झुकाएंगे, कीजिए गर्दन विपरीत दिशा में, ये पीठ के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है, जिनको कमर दर्द है, दो, तीन, गर्दन विपरीत दिशा में जाएगी हमारे, बीच में रुकना लगातार नहीं करना, थोड़ा रुके स्थिरता से करें, चार, पांच, सात, नौ, दस, छोटे पैरों को सीधा करेंगे, और केवल दो मिनट के लिए बॉडी को रिलैक्स करें, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, शरीर का कोई भी भाग तनाव की स्थिति में न रहे, मन एकदम शांत है, ब्रीदिंग भी हमारी बहुत ही धीमी गति से चल रही है, शरीर के अंदर कोई भी किसी प्रकार का रोग इस समय नहीं, क्योंकि हमने लगभग दो घंटे यहाँ पर योगाभ्यास प्राणायाम किया, जिससे हमारे शरीर का एक एक स्नायु तंत्र प्रभावित हुआ, शरीर के सभी अंगों को देखते हुए बात शिथिल करें अपने हिसाब से, कोई भी तनाव कोई भी विकार इस समय हमारे शरीर के किसी भी भाग में नहीं, हम एकदम शांत मुद्रा में योग निद्रा की स्थिति में आ गए हैं, हमारा हर कार्य योग में हो जाए, हम जो भी कार्य करें उसमें योग की झलक आनी चाहिए, हमारा खाने का तरीका, हमारा देखने का तरीका, चलने का तरीका, हमारे परिवार के अंदर आपस में वार्तालाप, हर जगह योग की आवश्यकता है, तो हम सोम्य बने चंद्रमा के बाद, चंद्रमा अपनी अवस्था में होता है तो पूरा आसमान चांदनी से भर जाता है, आनंद की अनुभूति होती है, तो वही आनंद वही सौम्यता हमारे जीवन में भी है, हमें भी सौम्य बनना है, उग्र नहीं, और अब आप दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों पर रखेंगे,
बाएं करवट लेते हुए दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर धीरे से बैठ जाएं। एक पौधा होता है राजस्थान में करी, करी कहते हैं ना, टेंट लगते हैं, अचार बनाते हैं इसका, कैर ना, तो ये बहुत उपयोगी पौधा है। अगर इसकी लकड़ी से यज्ञ किया जाए तो वर्षा होती है और उसको आप ऐसे जला देंगे तो ऐसे जल जाएगा जैसे पेट्रोल में आग लगा दी, बहुत ही एकदम ज्वलनशील। लेकिन वो बहुत ही उत्तम पौधा है, उसका अचार बनाते हैं, उसका जो फल होता है कीट बोलते हैं उसको, उससे जोड़ों के दर्द नहीं होते, पेट एकदम अच्छा रहता है और सबसे बड़ा लाभ उसका बवासीर में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये हम प्रयोग कर सकते हैं, वात कफ नज़ला जुकाम सभी में उसका उपयोग है, विषनाशक है, सूजन को उतारता है। तो आप उसको नोट किया करो घर पे जाके, कई भाई बहनों को पसीने नहीं आते, बीमारी है, उसका प्रयोग करने से वो स्वेदजनक भी है, उससे पसीना भी आता है और इसकी प्रकृति उष्ण है, गर्म है, किसी को बहुत ठंड लगती है या सर्दी के दिनों में बहुत ठंड होती है यहाँ पर, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ठंड से भी हमें बचाता है। देखिए परमात्मा ने कितना वैज्ञानिक तरीके संसार बनाया, आपके क्षेत्र में जो चीज़ें होती है ना, जो चीज़ें यहाँ पर जैसे वायु रोग बढ़ता है, ऐसे प्लांट यहाँ पर पैदा कर दिए कि जिससे हम लोग उसका उपयोग करें और हमें बीमारी ना हो, लेकिन हमने क्या हमने उनको जाने ना, जैसे अश्वगंध आपके यहाँ बहुत ज़्यादा होता है तो अपने आप में एक रसायन है, लेकिन वो वायुनाशक है। कल बताएंगे उसके बारे में फुल डिटेल्स आपको। तो आज केवल एक पौधे के बारे में हमने बताया आपको, करीब इससे हमारी अर्श ठीक होती है, दस्तावर भी पेट को साफ करता है, कफ वात आम जाने लगते हैं, आम बनता है उसको भी ठीक करता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्म मसाले नहीं डालो, सामान्य उसका अचार बना खाओ या उसका पाउडर करके रखो, ऐसे भी चम्मच से खा सकते हो आप उसका। तो ये बहुत ही अच्छा दिव्य प्लांट है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे पास में 5-6 मिनट बचे हैं, आपको कोई क्वेश्चन हो योग से रिलेटेड, बाकी शाम को हम चिकित्सा तो करते हैं यहाँ पर, तो योग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है, चिकित्सा कार्य शाम को करते हैं 4 से 5। हाँ जी, योग से संबंधित पूछना हो आत्म कल्याण के लिए, आपने कोई यहाँ की आपको समझ में नहीं आया उससे संबंधित पूछो, बाकी गैस वैस तो शाम को तो ही करते हैं, ये तो आसन के ही है सब, इसमें जाप होता है ना, पवन मुक्त आसन किया, पवन गैस को ही कहते हैं, वायु को ठीक करता है। हाँ जी, नहीं नहीं खड़े खड़े कुछ नहीं करना चाहिए, खड़े हो करोगे तो ये उसका योग का तरीका नहीं। महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया स्थिर सुखम आसन, जिस आसन में बैठ करके स्थिरता पूर्वक सुख मिले वो आसन, चलते समय कर सकते हो लेकिन वो प्राणायाम नहीं कहलाएगा। प्राणायाम तो स्थिरता के साथ बैठ करके मन भी हमारा शांत हो एकाग्र हो तब उसमें किया जाता है। और गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें, जितना डीप ले सकते हो उतना डीप लें, जितना डीप छोड़ सकते हैं डीप छोड़ें, रोकना नहीं इसमें, रोकने का फिर नहीं वो तो आप, मैंने कल, आप पहली बार आए हो सर, कल नहीं आए थे, मैंने बताया कि योग में कोई मापदंड नहीं है। मेरे साथ में कुछ छात्र पढ़ते थे फिजी मॉरिशस अफ्रीका के, तो वो कहा करते थे भारत का कुत्ता हमारे यहाँ पहुँच जाए कला मार दे तो हम कहेंगे बहुत बड़ा योगी आ गया। तो योग के क्षेत्र में कोई मापदंड नहीं, वो प्राणायाम फिर अलग है, नहीं वो प्राणायाम फिर अलग है, वो आत्म कल्याण के लिए है और वो अलग से सीखने पड़ेंगे आपको, नहीं तो गलती करोगे फिर आप। मैंने कहा कि योग में कोई मापदंड नहीं है, जितने जो चला दिया वही चल गया, लेकिन महर्षि पतंजलि की विचारधारा अलग है, हम जो कर रहे हैं सब ना ये हठ योग है और इसमें भी कई तरह की गलतियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया आसनों के साथ में श्वास को कोई नहीं जोड़ते और फास्ट करते हैं फटाफट,
तो वो गलत है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो योग में जिसने जो चाह वो चला दिया, लेकिन हमको साइंटिफिक तरीका एक है उसमें जो भी जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो फिर अलग से करना है उसको। उसमें आंतरिक कुंभक कर सकते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, लोग 10-10 मिनट रोक देते हैं, आप बाद में मिलना, अभी आवाज़ भी आपकी कम पहुँचने आते हैं। तो किसी को क्वेश्चन हो, देखिए खान पान के बारे में, एक तो खाने के बाद में एकदम पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 30 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर भोजन शुष्क है तो आप बीच में 1-2 घूंट पी सकते हो, और भोजन को चबा चबा करना चाहिए। आपको बताया भोजन के साथ में बहुत ज्यादा चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सलाद जरूर नहीं उसमें, जैसे खीरा है या गाजर का मौसम है तो गाजर भी ले सकते हैं, और कोई सलाद उसको ले सकते हैं। देखिए आप पत्ता गोभी का प्रयोग करते हो, पत्ता गोभी के अंदर ऐसा कीड़ा पाया जाता है जो कुकर में भी नहीं गलता, मरता नहीं, और वो हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है, कोई भाई मुझको मिले तो इसका प्रयोग कम से कम करो, अच्छा बढ़िया देख के करो उसको, तो ये तो बहुत सूक्ष्म होता है, पता नहीं चलता कहाँ बैठे। तो कुछ चीज़ें हमारे भोजन में ऐसी हैं जो हम कर तो रहे अच्छे से, लेकिन उसमें कई बीमारियाँ होती हैं, क्यों हर चीज आज फर्टिलाइजर से युक्त है, ऑर्गेनिक कहीं नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हमारे खान पान के साथ में है, इनका हम प्रयोग करेंगे तो समय भी हमारा पूरा होता है। हाँ जी आगे आगे थोड़ा आगे आगे हाँ जी अरे आगे आ जाओ भाई, आपके माइक में है नहीं ना। मॉर्निंग में उठे कैसे आपने बताया था सुबह? हाँ देखिए सोने के बाद कैसे उठना, और एक भाई इधर भी आ जाओ, आप भी आ जाओ इधर, आप भी आ जाइए, हाँ ऊपर आ जाओ, आइए नजदीक आ जाइए। देखिए सोने के बाद कैसे उठना है, आप ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, क्लियर बताएंगे आपको। देखिए हमको कैसे उठना चाहिए, आप बाएं करवट लें और एक हाथ सीधा करेंगे, जो आपका बायां हाथ है, और दाहिने हाथ को नीचे लगा कर दोनों का सपोर्ट लेकर के आराम से उठ ऐसे बैठना चाहिए। आप झटके से उठेंगे तो बैक पर प्रेशर आएगा और आपको बैक पेन कभी भी हो सकता है। अब एक आसन आप लेट जाओ, मैंने बताया था ना आपको पेट के बल लेट जाओ, पेट के बल और ऐसे लेट जाओ। पेट हमारा खराब हो गया, इतना हार्ड है कि उसमें हाथ में नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उस अवस्था में? पेट के बल सोचे जैसे बालासन होता है, बच्चा लेटता है छोटी अवस्था में, अब जो उसकी पिंडली है उसको हमें दबाना है, पैर से दबाएंगे इतना जो दर्द में हो, लेकिन सहन करना चाहिए, हमने इतना प्रेशर दे दिया वो सहन ही नहीं कर रहा तो मुश्किल हो जाएगी। इसको आप 25-30 बार दबा देंगे एक तरफ, तो पेट की कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो, पेट हार्ड है हमारा, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कई प्रॉब्लम नाभि डिग गई उसको भी ठीक करेगा। तो 20-25 इसको हमें प्रेशर लगाने से, उसके बाद में फिर चेंज करेंगे। अब इधर देखिए वो पैर को मोड़ दीजिए, ये पेट की समस्त बीमारियों को ठीक करने वाला अभ्यास है। जौन सा पैर दबाएंगे उससे दूसरी तरफ देखेंगे, अगर वो पैर मुड़ा हुआ होगा पिंडली काफ को दबाना है, तो इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है पेट की, ना भी किसी की डिग जाए तो ये करना। देखिए कल बहन जी पूछ रही है, कल हमने बताया था जो साग होते हैं ना, पालक मेथी चना सरसों, ये आयुर्वेद में इनको खतरनाक माना गया, ये क्या करते हैं नेत्र की रोशनी का नाश करते हैं, बुद्धि का नाश करते हैं, और ये पेट को एकदम बिगाड़ देते हैं। आयुर्वेद में मना किया इनका प्रयोग नहीं करना सभी के लिए, एक दो केवल दो चीज अच्छी मानेगी, बथुआ, हाँ ही बैठे बथुआ माना गया अच्छा, और दूसरा
एक होता है कोई साग, बंगाली बहुत खाते हैं उसको, लता होती है तो साग एक जीवन की कोई अच्छा माना पर वो मिलती नहीं। तो इनको सभी के लिए, केवल बीमारों के लिए, सभी के लिए निषेध किया है वेदने से। फिर हमने कल बताया दाना भी खा सकते हो, ये केवल पत्ती की बात कर रहा हूँ, ये पत्ती की बात है, दाना खा सकते हो आप, सरसों का भी दाना यूज कर सकते हैं, तेल तो यूज करते हैं उसका, सरसों का तो दाने की बात नहीं है, ये है पत्ती की बात। बहने बैठे और मैंने एक और बताया था कल आपको, जो सांगरी खाते ना, सांगरी उसकी फली वो बहुत खतरनाक है, बालों को समाप्त कर देती है। और एक उसका दोष और था, बुद्धि का नाश करती है, हम बहुत ज्यादा खाते हैं राजस्थान में, सांगरी की फली। आप क्या कह रहे थे सज्जन? हाँ देखिए, बोने के अन्न के साथ दूध का प्रयोग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जैसे अमरूद है पेट को साफ करता है, लेकिन पका हुआ होना चाहिए, उसका बीज चिकना हो, और बीज नहीं चबाना चाहिए अमरूद का प्रयोग, अगर बीज चबाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन करेगा, और बीज को ऐसे निकल जाएंगे तो पेट को साफ करेगा, तो कर सकते हैं उसका प्रयोग। अमृत का प्रयोग करना बहुत अच्छा है, अंकुरित करने से भी नुकसान होता है कई बार, नहीं कई बार तो घी भी नुकसान करता है, नहीं कई बार नहीं, वो अंकुर होना चाहिए ठीक से, अंकुर आना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए जब शाम को अन्न नहीं खाएंगे तो सब्जी भी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लिक्विड तो पीना ही चाहिए, सुबह छा सुबह फलों का जूस, पानी शाम को खाना खाने के बाद पानी पीना खड़े खड़े पीना चाहिए या बैठ के पीना? नहीं देखो, खाना पीना तो बैठ के लेना चाहिए, नहीं नहीं पानी पानी के लिए बात है, बैठ के पीना चाहिए, खड़े नहीं पीना, इमरजेंसी हो गई आर्मी में तो खड़े भागते भागते पी सकते हो, लेकिन अगर घर पे है तो बैठ के पीना चाहिए। स्वामी जी, भोजन के साथ सलाद या फ्रूट लिया जा सकता है? अभी तो बताया ले सकते हैं, लेना चाहिए, मतलब एक कच्चा भोजन होता है एक पका हुआ, ये दोनों का पाचन साथ साथ हो सकता है? हाँ, बीच बीच में आप नहीं, होता क्या है मैंने आपको बताया था पहले जी, हमारी बॉडी में 13 प्रकार के अंग काम कर रही है, तो जो बहने किचन में पकाते हैं तो अलग है, अंदर उसका पाक अलग होता है, उसका बाहर में कोई संबंध नहीं, पका हुआ भोजन साथ लिया ले सकते हैं, चटनी होगा कुछ नहीं होगा। प्रणाम, मेरा एक मिनट आप शांत हो जाए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रातः बिल्कुल समय पर 5 बजे आएंगे तो जो स्वामी जी जो भी बात बताते हैं अगर आप उनके शब्दों को सुनेंगे तो ये जो प्रश्न कुछ आए हैं ये आवश्यकता नहीं होती। मैं आपसे भी कह रहा हूँ सबसे, मेरा निवेदन हाथ जोड़ के 5 बजे सही समय पर पधारे, स्वामी जी इतना विस्तार से सरल तरीके से बता रहे हैं, हम उनके शब्दों में ध्यान नहीं दे रहे, हम हमारा मन यहाँ ठीक नहीं है या स्थिर नहीं है, इसलिए ये अवस्था हो रही है, हम ये अनुशासन नहीं मिलता, योग भी हमें अनुशासित करता है, तो आपसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, आप मेरे से बुजुर्ग हैं माता बहने, समय पे आए एक एक सब पे ध्यान देता हूँ। देखिए अब एक मेडिसिन हमारे पास में है जिसको नाक में डालेंगे और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है इस भाग में, कि नजला जुकाम कफ आँखों में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, किसी को फिट्स आते हैं या कफ की प्रॉब्लम है, तो इस डालेंगे केवल नाक में, डले की नाक में लाभ सब जगह करें तो सभी लोग डलवाओ इसको, और डलने के बाद में बाहर चले जाने से कफ निकलता है थोड़ा, एक बार महिला आप भी डाल, इसका नाम कुछ नहीं है, पेड़ होता है पहाड़ पर, उसका पत्ता पत्ता में लेकर के आऊँ यहाँ पर, उसका रस है, एक भाई इधर हो जाए, पेड़ का नाम है हल्दू, हल्दू। कुलदीप साहब रटने स्टार्ट हुआ कुछ आसन छोड़ना चाहिए, कुछ लेना चाहिए, का रस है, मैंने 2 पौधे लगवाए, अगर यहाँ हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आसन नहीं मिलेगी।